जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो अब जो है मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया और जो है टी वगैरह भी पी ली, ठीक है। जो अब से मैं सुबह आ गई थी, तो आज जो है मेरा सर इतना भारी हो रहा था कि बस आके मैंने अपना नाश्ता किया, खाना खाया, मतलब दोपहर का खाना भी हो गया, नाश्ता भी हो गया। और जब मैं जॉब जहाँ पे करती हूँ, ठीक है, फार्म पे, तो बस मैं टी लेती हूँ। तो उसके बाद जो है अब आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट और मतलब लंच दोनों इकट्ठे हो गए वो कर लिया। बस सिंपल मैंने रोटी ली थी और जो है हल्का सा ऊपर देसी घी स्प्रेड कर लिया था। और उसके बाद जो है मैंने वुज़ू वगैरह कर लिया है, तो जो है मैं जोहर की नमाज़ पढ़ने, ठीक है, जोहर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो मैंने अपना जाय नमाज़ वगैरह बिछा लिया था और क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है, सारा कुछ साफ हो गया, सारा कुछ। इतना मतलब कि जब मैं मैसी था तो उतनी देर में जो है हेल्पर आ गई, फिर हमने मिलके काम कर लिया। तो जो है ये रूम, जैसे कि आपको पता है, मैंने ही मतलब कि इसका सारे बिस्तर वगैरह उठाने होते हैं, तो क्योंकि इस कमरे में ही एसी है तो इधर ही हम सब सो जाते हैं। तो मैंने जाय नमाज़ अपना बिछा लिया है और जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। उससे पहले जो मैं अपने लिए एक पानी का गिलास ले आती हूँ भर के। तो अभी तक ये सोफ़े के जो मैंने कवर नहीं बिछाए, इतने मतलब के कुछ कामों में लेज़ी बंदा हो जाता है, जल्दी से मैंने कवर भी बिछाऊंगी आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उससे पहले जो है मैं एक गिलास अपने लिए पानी का ले लेती हूँ, ताकि जो है नमाज़ पढ़ते ही मैं पीऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पानी ज़्यादा पिए, बहुत ज़रूरी है पानी ज़्यादा पीना। और वैसे भी हमें वेट रिड्यूस में भी हेल्प करता है और हमारे जो है स्किन के लिए भी और जो है हेयर के लिए भी, बॉडी के लिए भी, और जितने भी एक्स्ट्रा मादे हैं वो भी, उनको भी ये फ्लैश आउट कर देता है ज़्यादा पानी पीना। तो ज़्यादा मतलब ये भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 3 से 4 लीटर पी लें आप। चलें, मैं अपने पास रखती हूँ गिलास पानी का, ताकि जो मैं नमाज के बाद पढ़ सकूँ। और जो है अब मैंने कहा है कि बिल्कुल पक्की रूटीन बनानी है कि जो कुरान पाक की तिलावत है वो भी बिल्कुल जोहर की नमाज़ के बाद करनी है, क्योंकि उसके बाद जो है मगरिब से पहले तो हमने डिनर में लग जाना होता है, ठीक है, जोहर असर इतना टाइम गुजरता है, तो यही टाइम बेस्ट है। तो मैं बाहर की लाइट ऑफ करती हूँ। चलिए, बिल भी बहुत आता है तो मतलब एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ ही रखें तो बेहतर है, बारिश से भी सनलाइट आ ही रही है, गुजारा हो जाएगा। चलें जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी इंशाल्लाह दोपहर में कर लिया करनी है, क्योंकि सुबह को तो मतलब फजर की नमाज़ के बाद जॉब पे जाना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है कुछ देर। मतलब सुबह के टाइम थोड़ी मैं लेज़ी होती हूँ, मतलब के उसके बाद जॉब पे जाने की तैयारी करनी होती है, रेडी होना, सारा कुछ करना। तो इसलिए मैंने कहा कि जोहर के बाद ही टाइम रखना है। और आप भी जो है अपनी नमाज़ का और हर काम को जो है अपने को प्रोडक्टिव बनाएं, अपनी रूटीन को मतलब ट्राई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी भी बिल्कुल बेस्ट और प्रोडक्टिव रूटीन मतलब होती तो नहीं है सबके, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वही हमारा फाइनल, फिर हम उसको ही कंसिडर कर लेते हैं कि यही हमारी प्रोडक्टिव रूटीन है। तो चले हम नमाज़ पढ़ते हैं बगैर ज़्यादा बातें किए। अब जो है मैंने नमाज़ अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद जो है मैंने अपना पानी पीना भी स्टार्ट कर दिया था। अब जो मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यही टाइम बेस्ट है, साथ ही जायनमाज़, ठीक है। और जायनमाज़ जो है तह करने का ये तरीका है कि इधर से ऐसे मतलब इस तरीके से जो हमारे पाँव हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरह से तह करने से। अगर हम इस कोने को ला के इस कोने से मिला देंगे मतलब डायरेक्ट, तो हमारे पाँव वाले जगह जो है हमारी सजदे वाली जगह पे जाके लगेगी, ठीक है। तो ये जो है एक बेअदबी की बात है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है पाँव वाले जो जगह है उसको आपस में मिला दें, ठीक है, पाँव वाली जगह और सजदे वाली जगह को आपस में मिला दें। तो जायनमाज़ को समेटने का ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, ये अदब वाला तरीका है। चलें जी,
कुरान पाक जो मैंने माइक्रोवेव पे ही रखा हुआ किचन में, बाकी कबर्ड वगैरह तो हैं बट यही जगह बनाई हुई है इसकी, क्योंकि कबर्ड की तरफ के मुझे लगता है कि पाँव वगैरह हो जाते, इसलिए फिर ऐसे रखा है। बैठ के अब मैं कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। और बाहर देखें जो सनलाइट है कितनी ऑरेंज ऑरेंज आ रही है, मतलब यह है कि धूप भी सख्त है और गर्मी भी इतनी है। हालांकि अभी सितंबर का मंथ हो गया है, 11 सितंबर है आज, बट देखें फिर भी हीट कितनी ज़्यादा है। अल्लाह ताला जो है मौसम ठंडा कर दें। अब चलो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बाकी जो है हमारी जैसी भी बात है अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ, हमें अच्छे से करने की तौफीक अता फरमाएँ। और सबसे ज़रूरी ये भी है कि अगर हमने कुरान पाक पढ़ा है ठीक है, तो हम तजवीद के साथ सीखें, तलफ़ुज़ ठीक करें, तो वो भी जो है बहुत ज़रूरी है कि तलफ़ुज़ हमारा ठीक हो, कि जिस तरह को कुरान को अरबी में जिस तलफ़ुज़ में उतारा है हम उसी तरह पढ़ें। बाज़ औक़ात जो है हम इस तरह से पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं अगर कि वो पंजाबी वाला लहजा, इसलिए ज़रूरी है कि हम उर्दू में पढ़ें ठीक से, ठीक है। तो जो मतलब कि घर में बाजियों वगैरह से पढ़ा होता है तो उनका तलफ़ुज़ इस तरह होता है कि मतलब पढ़ तो कुरान रही होती हैं लेकिन पंजाबी वाला लहजा होता है। तो बाकी अगर वो उस तरीके से भी हम पढ़ लें तो अजर तो मिलता है। और एक हदीस का मफहूम है कि जो इतनी जिसको कुरान पढ़ने में मुश्किल होती है कि मतलब जो तोड़ तोड़ के पढ़ता है, अल्फाज की अदायगी में मुश्किल होती है, वो अल्लाह ताला उसको भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देते हैं। तो हालांकि उसका अजर व सवाब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास ये मुमकिन है कि आप तलफ़ुज़ इसका ठीक कर सकते हैं कि अरबी लहजे में सही से पढ़ सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप जो है कुरान पाक को अपना ठीक करें, उसका तलफ़ुज़ ठीक करें ताकि उसकी अदायगी अच्छी हो जाए। और अब ये मेरा भाई पुलाव ले आया था तो उसने मुझे भी दिया, कहता आप भी खा लें। चले मैंने कहा दे दिया, खुशबू तो बहुत आ रही थी, फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चले, वैसे ये पुलाव बहुत मज़ेदार है, ये जो है अली पुलाव है उधर से मिलता है, मतलब टाटा मिल्स के पास से, बहुत मज़े का पुलाव होता है ये खाते हैं। अब जो है मैं कह रही थी कि कुछ देर रेस्ट कर लेती हूँ, थक मैं इतना ज़्यादा गई थी, तो नमाज कुरान भी हो गई, खाना भी सारा कुछ हो गया। अब जो है मैंने कहा कुछ देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब दोपहर में कुछ गर्मी है, कुछ वैसे काम से थक जाते हैं, तो दोपहर में कुछ देर रेस्ट करके तो फिर ही जो है सर की नमाज़ पढ़ती हूँ और कोई काम करती हूँ। और वैसे भी जो है दोपहर के टाइम कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए, सेहत के लिए भी सही होता है। और वैसे भी जो है मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलें अब कुछ देर रेस्ट करते हैं। तो अब जो है मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली है, और जो है मामा मेरी गई हुई है मेरी आंटी की तरफ गुजरा वाला, तो इसकी वजह से सारा काम तकरीबन मैं ही कर रही हूँ घर का भी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ डिनर में आलू की टिक्कियाँ, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अगर हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे आलू के ठीक है, इसको वॉश कर लें और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस कर लें, उसके बाद अगर आप बॉईल करेंगे तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे और जो है जल्दी बॉईल हो जाएंगे ठीक है। तो फिर ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं कर लेंगे। तो मेरे जितनी देर तक आलू बॉईल हो जाएं
तो मगरिब की अज़ान भी हो गई है, 6:20 पे तो मगरिब की अज़ान हो जाती है। और इस साइड पे जो है मैंने अंडे उबलने रखे हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बॉयल अंडा भी इसमें डाल दूँगी। तो जितनी देर जो है मेरे ये आलू बॉयल हो जाएँ, ठीक है, उतनी देर में जो है मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। मगरिब की अज़ान हो गई है, पानी मुझे कम लग रहा है, पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसके बाद जो है रोटी बनाऊंगी, और इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश होती है कि मैं 7 बजे से पहले अपना डिनर फिनिश कर लूँ। अंडा तो मेरे ख्याल से उबल बॉइल हो गया, से बंद कर देती हूँ। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं जो है 7 o'clock से पहले पहले लंच कर लूँ, अपना डिनर कर लूँ, सॉरी, बट जो है मम्मा भी नहीं घर पे हैं, तो इसलिए जो है थोड़ी देर लेट हो जाती हूँ। 2-3 दिन से मम्मा गई हैं, तो जो है ये भाई की लाइट्स ने बोले दिल उदास होने लग जाता है, और ये काम भी मतलब बर्डन मेरे पे, चले एक काम मामा कर लेती हैं, मैं कर लेती हूँ, सब मिलके हो जाते हैं। तो अब मैं आई थी चेक करने के लिए क्या कि ये उबल गए आलू, बट मैंने अभी चेक किए हैं तो मुझे सख्त ही थोड़े फील हो रहे हैं, मतलब कभी ठीक से बॉयल नहीं हुए, ये देखें। तो कुछ देर वेट करते हैं अच्छे से बॉयल हो जाए, और जो है फिर जल्दी से मैं इसका मटेरियल रेडी करूँगी, ठीक है। बिल्कुल इसमें नॉर्मल मसाले डालूँगी, घर के मसाले, तो बस इनको कम ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो जितनी देर तक जल्दी से ये बॉयल हुए जाएँ, अभी तक मैं मगरिब के फ़र्ज़ पर के ही हूँ तो बॉयल नहीं हुए, नमाज कंप्लीट करते हैं तब तक तो होपफुली वो बॉयल हो जाएंगे, फिर जो है अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं और खाते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और मैं जो सूरह वाकिया की तिलावत करने लगी हूँ, तो सूरह वाकिया की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, और जो है मगरिब के बाद इसकी तिलावत करनी चाहिए। अगर मगरिब के बाद नहीं भी टाइम लगा तो चलें असर के बाद कर लें, ईशा के बाद कर लें, लेकिन मगरिब के बाद ज़रूर करनी चाहिए। तो इसके बारे में अहादीस भी आती हैं, तो वो अहादीस भी मैं साथ ही अटैच कर देती हूँ, ठीक है। तो पहले सूरतुल वाकिया की तिलावत कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह आपको इसकी फजीलत भी बताऊंगी, ताकि जो है अगर फजीलत इंसान को पता हो तो उसको तिलावत करने का भी मज़ा आता है, शौक पैदा होता है, ठीक है। सूरह रहमान के बाद ही आती है कुरान पाक में सूरतुल वाकिया, देखें औला फमाखतुबुकुम, ये जो है 27वें पारे में है। सूरतुल वाकिया की तिलावत करती हूँ, उसके बाद जो इसकी फजीलत भी मैं जो इसके साथ ही अटैच कर दूँगी इंशाल्लाह, मतलब ये सूरह वाकिया की तिलावत करने के बाद ही ना, मतलब इसी के साथ उसकी फजीलत का क्लिप भी अटैच कर दूँगी इंशाल्लाह, जो उसमें हदीस आती है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है हदीस इसकी, और आता है कि ये फ़क्र और फाके से भी बचाती है। चलें तिलावत करते हैं। सूरह वाकिया के फ़ज़ाइल में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरह वाकिया पढ़े तो फाके से महफूज रहेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औरतों को सूरह वाकिया सिखाओ, क्योंकि यह सूरतुल गिना यानी मोहताजी को दूर करने वाली सूरत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी है, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस वक्त तशरीफ़ लाए जब वह मर्ज़ वफ़ात में मुबतला थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे फ़रमाया, आप किस चीज़ की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अपने गुनाहों की तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, आपको किस चीज़ की आरज़ू है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मुझे अपने रब अज़्ज़ा वजल की रहमत की आरज़ू है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, आप किसी तबीब को क्यों नहीं बुलवा लेते? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, तबीब ही ने तो मुझे मर्ज़ में मुबतला किया है।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या हम आपको कुछ माल अता करें, हुक्म माल अता करने का हुक्म ना करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम वो माल आपकी बेटियों को दे देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, इन्हें भी इस माल की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इन्हें हुक्म दिया है कि वो सूरा वाकया पढ़ा करें, क्योंकि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते सुना है कि जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरा वाकया पढ़े तो वह फाके से हमेशा महफूज रहेगा। और हज़रत मसरूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसे ये बात खुश करे कि वो अव्वलैन और आखरैन का, ठीक है, इलम और दुनिया और आखरत का इलम जान जाए, तो इससे चाहिए कि वो सूरा वाकया पढ़ ले। ठीक है, आता है कि रात के वक्त फजील इसकी जो है तिलावत करें। तो अब जो है रात के वक्त तो फिर इशा की आता है, ठीक है। अब जो है मैं आपको कन्फर्म करके जो बताती हूँ कि मगरिब के बाद या इशा के बाद, लेकिन मैं तो मगरिब के बाद ही पढ़ रही हूँ। ठीक है, आता है कि रोज़ाना रात के वक्त सूरा वाकया की तलावत की जाए। अब जो है मैंने अपना कहवा भी बनने के लिए रख दिया, ठीक है। इसमें डाला है मैंने हाफ स्पून सौंफ का, और जो है दो तीन टुकड़े छोटे छोटे से उसके दालचीनी के। तो ये मैंने कहा गैस ना चल जाए, इसलिए मैं इसी टाइम बना लेती होती हूँ। तो चलिए उतनी देर कहवा बन जाता है, तो उतनी देर मैं अपना टिक्यू का मटीरियल रेडी कर लूँ। कप भी मैंने वॉश कर दिया। इनको मैं छील लूँगी और उसके बाद जो है अंडा डाल के, तो इसको मसाले वगैरह डाल के, तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी कम ऑयल में इंशाल्लाह। मैंने जो है बॉयल करके इनको बिल्कुल मैश कर लिया है। अब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने इनमें अंडे भी डाल दिए थे, देखिए इस तरह के भी बन जाते हैं। अब जो है मैं इसमें घर के मसाले डालूँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च, बस ये दो चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। अब जो है मैंने इसमें दो चम्मच ऐड कर दिया नमक के और एक चम्मच काली मिर्च का, और मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी ये लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, बस थोड़ी सी बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर जो है बिल्कुल ज़्यादा नॉर्मल स्पाइसेस खाते हैं। और जो है दो चम्मच मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि हमारे चम्मच का साइज़ बहुत छोटा है, बिल्कुल स्मॉल है। इसको मिक्स करते हैं, फ्राई करते हैं। तो फाइनली मैंने अपनी जो है टिक्कियाँ भी, ठीक है, शामी कबाब जो है टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ, ये भी फ्राई कर ली हैं, और जब बहुत कम ऑयल में फ्राई की हैं। अब इनको जो है मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ, ठीक है, मेरे जब मतलब जब मेरा भाई आएगा तो मैं दे दूँगी। और जो है और मैंने शरबत भी बना लिया अपने भाई के लिए और पापा के लिए, क्योंकि वो रात के टाइम जो है पीते हैं। जब शॉप से आगे तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जो काम मेरा कम्प्लीट हो गया, मैं टिक्कियाँ थोड़ी सी खाऊंगी और उसके बाद जो है वॉक करूंगी। तो फ्रिज में रखते हैं इसको। मैं अपना ड्रेस रेडी करने के लिए रखने लगी हूँ, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट डे ड्रेस पहनना होता है जो पे जाने के लिए, या हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने के लिए पहनना होता है, तो हम एक डे पहले ही रेडी कर लेते हैं, ताकि इस तरह फिर जो हमें ईजी हो जाता है और सुबह को इतना टाइम भी नहीं एक्स्ट्रा होता कि हम सुबह के टाइम अपना जो है ड्रेस रेडी कर सकें। तो इसलिए मैं इसी टाइम जो है अपनी ड्रेस वगैरह भी रेडी करके रख लेती होती हूँ। और जो है वो मैंने आपको सूरा वाकया का बताना था, जी सूरा वाकया पढ़ने की जो फजीलत है वो मगरिब के बाद की ही है, ठीक है। तो अगर जो है मतलब कि अब मगरिब के बाद कभी नहीं टाइम लगता, तो अब इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर इशा के बाद भी नहीं टाइम लगा, और दिन में किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मतलब फजीलत बताया है वो मगरिब के बाद है। मतलब फजीलत बताया नहीं, मतलब कि जो आता है कि फ़क्र व फाके को दूर करती है, इसलिए उलामा फरमाते हैं कि आप मगरिब के बाद पढ़ें। और हदीस में भी आता है कि रात के टाइम इसकी तलावत करें, तो मुराद मगरिब के बाद ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब उससे टाइम आगे पीछे भी करके पढ़ लें, तो इंशाल्लाह फजीलत आपको उसकी मिल जाएगी। तो चलें अपना ड्रेस में रख लूँ जी। तो खाना खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद मैं वॉक कर लूँगी, ठीक है। तो मैं गैराज में ही वॉक कर लूँगी, गैराज में कर लूँगी, या कभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में कर लेती होती हूँ। तो मतलब कोई भी प्लेस हो, या कभी छत पे,
तो आज हम यहाँ भी कुछ देर वॉक करूँगी गिराज में, उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर जाऊँगी तो वहाँ पे जाके वॉक करूँगी। और रात को सोने के टाइम मैं अपना जो मैंने कहवा रेडी किया था सौंफ और दालचीनी का वो पी लूँगी, ठीक है। सोने से तकरीबन कुछ टाइम पहले, 1 या 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।